हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो आज का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है गाइस, फाइनली आप लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ। आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे फॉर्म कब आएगा, तो फाइनली फॉर्म आ चुका है एक और यूनिवर्सिटी का, बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम का। बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ चुका है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो फटाफट जाइए फॉर्म फिलअप कीजिए। वैसे अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, 17 मई को ही फॉर्म आया है, दो ही दिन हुए हैं फॉर्म आए हुए और अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। लास्ट डेट अभी बहुत लेट है और अभी आपको स्क्रीन पर मैं शेयर करूँगी जिसमें आपको मेंशन मिलेगा कि फॉर्म का डेट कब है, लास्ट डेट कब है, लेट डेट कब है, प्लस एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एग्ज़ाम कब होगा, सारा चीज़ों को लेकर डेट वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फ़ी कितनी लगेगी अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने सीट्स होते हैं, वो सब चीज़ों को भी लेके भी दिखाऊंगी मैं स्क्रीन पे। तो चलिए स्क्रीन शो करते हैं आप लोगों को। और साथ ही शो करने से पहले, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज और वीडियोज़ देख रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स नए नए मिलते रहें। और बेल आइकन को भी साथ में क्लिक कर ले, ताकि आपको बैक टू बैक ऐसे नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जब भी कोई वीडियोस आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा साइट गाइज, आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। साइट जो है मैं अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ऐसा फॉर्म में खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप नीचे जब स्लाइड करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर एकेडमिक सेक्शन 2021 टू 2022 का दिया हुआ है। अब स्क्रॉल आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कीप द फ्लोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, आप लोग को जो फॉर्म भरेंगे ये सब नेसेसरी है चाहिए, लाइक ईमेल आईडी चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, स्कैंड फ़ोटो चाहिए और स्कैंड सिग्नेचर चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एटीएम और डेबिट कार्ड है यहाँ पे, मे बी इससे जो फी पेमेंट करना होगा इसी से करना होगा। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस 2021 टू 2022 और बगल में लिखा है क्लिक हेयर। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया गया है, तो मैं यहाँ पे ये भी दिखाऊंगी आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, नीचे और स्क्रॉल कीजिएगा आप लोग तो यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन लिखा है और एप्लीकेंट लॉगिन के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन और लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो गाइज यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे, एक है साइन इन और दूसरा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट साइन इन कीजिए, और अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे और ओपन करते हैं। तो गाइस रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा तो नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब आपको फिलअप करना है, ईमेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारा क्रिएट करके मोबाइल नंबर डालना है। ज़रा जो सारा फिलअप कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, साइन अप कर देना है तो फिर आपका साइन अप हो जाएगा। तो ये रहा कि साइन अप कैसे करना है। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में गाइस। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, वापस से बैक जाना है, बैक पर क्लिक करना है, वापस से आप बैक हो गए और बैक होने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस 2021 टू 2022 लिखा हुआ है, क्लिक हेयर लिखा हुआ है, तो क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड हो जाने के बाद इस तरीके से सरफेस आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस 2021 टू 2022, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस को लेके बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन जो मेन चीज़ आपको देखना है वो मैं आपको शो कर दे रही हूँ। अगर आपको खुद से पढ़ना है तो बाकी आप सारा कुछ खुद से पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मेन चीज़ जो शो करना चाह रही हूँ कि डेट, अब मेन आपका डेट कब क्या होगा, वो डेट मैं आप लोगों के सामने शो कर दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए यही रहा डेट, इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर मैंसन किया हुआ है। फर्स्ट एबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस
जिसका डेट 17 मई 2021 मेंशन किया हुआ है। नीचे आते हैं लिखा है एबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। एबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का डेट है 17 मई 2021 टू 30 जून 2021। मतलब अभी आपको अप्रॉक्स अभी से लेकर के काउंट किया जाए तो अप्रॉक्स 40 डेज है आपके पास फॉर्म फिलअप करने के, तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास। नेक्स्ट आता है ओपनिंग ऑफ फॉर्म फॉर एडिटिंग। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ओपनिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर एडिटिंग। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और कुछ मिस्टेक हो गया है और आपको बाद में पता चल रहा है कि हाँ मैंने फॉर्म फिलअप करने के दौरान मिस्टेक किया है, तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 जुलाई 2021 से 5 जुलाई 2021 तक। यानी 5 डेज का टाइम दिया जाएगा आप लोगों को फॉर्म को ठीक करने का, अगर कुछ मिस्टेक किए हैं आपने तो। नेक्स्ट है डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड। ठीक है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड जो होगा, एडमिट कार्ड किस डेट में इशू किया जाएगा, तो 15 जुलाई 2021 को आपका एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं कि कॉमन असाइनमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो है, एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट है वो है 26 जुलाई 2021 है। एंड जो लास्ट में आता है, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रिजल्ट, मेनली एग्ज़ाम रिजल्ट का जो डेट है, जो रिजल्ट आएगा आप लोगों का, वो 30 सितंबर तक आ जाएगा। तो ये रहा सबका डेट, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एग्ज़ाम कब होना है, एडमिट कार्ड जो है वो कब आएगा, फॉर्म कब फिलअप करना है, किस दिन मिस्टेक सुधारना है, रिजल्ट कब आएगा, तो सारा का डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे कि आपकी फ़ी कितनी लगेगी और सीट्स कितनी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जो डिपार्टमेंट यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है। तो स्क्रॉल करते हुए आपको एकदम नीचे आना है, क्योंकि वो चीज़ जो लिखी हुई है बहुत ही नीचे मेंशन किया हुआ है। तो स्क्रॉल करते हैं फटाफट और नीचे आते हैं। और नीचे है गाइस 3.1 लिखा हुआ है यहाँ पे, 3.8 जहाँ लिखा हुआ होगा वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक साइड प्रोग्राम है, प्रोग्राम्स लिखा हुआ है कौन कौन सा, फिर प्रोग्राम ड्यूरेशन लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ उसके बगल में शीट लिखा हुआ है, फिर टोटल फी पेबल पर ईयर कितना फ़ी आपको पेमेंट करना है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे MFA का लिखा हुआ, अप्लाइड आर्ट का जो 4 सेमेस्टर 2 ईयर का यहाँ पे होता है MFA, जो कि सीट है अप्लाइड आर्ट में। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट के बारे में बताया गया, तो अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट का जो सीट है वो 8 सीट है और फ़ी जो है 10,550 पर ईयर। सबका फ़ी सेम है 10,550 पर ईयर, सारे सेगमेंट का फ़ी सेम ही है। वहीं पे BFA का देखते हैं गाइस, तो BFA का जो है अप्लाइड आर्ट का ही 8 सेमेस्टर है, यानी 4 साल का कोर्स है ये, और 30 सीट है अप्लाइड आर्ट में, जिसका फ़ी सेम वही 10,550 रुपीज़ है। एंड नीचे आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन, तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन का जो फ़ी है वो है, सीट पहले बात कर लेते हैं, सब 8 सीट इसमें भी है और फ़ी सेम है 10,550, और BFA का जो सीट है वो है 20 सीट है आर्ट एजुकेशन में। और सेमेस्टर तो सब में सेम है, MFA के लिए 4 सेमेस्टर है, BFA के लिए 8 सेमेस्टर है और फ़ी सबका सेम है। तो सीट पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं गाइस कि PhD वालों लोग के लिए MFA आर्ट हिस्ट्री एंड प्रीसिएशन जो 4 सेमेस्टर का है और 10 सीट है इसमें भी और फ़ी है 10,550। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक आर्ट जो कि MFA वाले लोग के लिए है, प्रिंट मेकिंग के लिए, ग्राफिक आर्ट या प्रिंट मेकिंग सेम ही होता है, तो 4 सेमेस्टर का है ये और इसमें भी 8 सीट है और फ़ी जो लगेगी आपकी 10,550। नेक्स्ट आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग, तो पेंटिंग डिपार्टमेंट के लिए जो इंटरेस्टेड है उसके लिए MFA में जो अगर करना चाहते हैं तो 10 सीट है, फ़ी सेम 10,550, और BFA वाले लोग के लिए जो सीट है वो है 20 सीट और उसकी भी फ़ी सेम ही है। नेक्स्ट जो एंड लास्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर,
तो स्कल्पचर का एमएफए का जो डिपार्टमेंट का सीट है वो 10 है, और बीएफए का भी डिपार्टमेंट का जो सीट है वो भी 10 ही है, और जो फ़ी लगेगा वो आपको 10,550 रुपीज़ लगेगी। तो ये हो गया आपका गाइस कि सीट्स कितने हैं, फ़ी कितने है, अगर सारों के ऐड कर लिया जाए तो लगभग जो सीट है बीएफए में, तो गाइस बीएफए में टोटल जो सीट है वो है 80 सीट है, टोटल सीट अगर ऐड किया जाए तो। तो ये रहा, तो फटाफट जो लोग और बाकी कुछ जो भी प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, और जहाँ समझ में नहीं आया तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं फटाफट जाइए और फॉर्म भर लीजिए। तो चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अपडेट कैसा लगा, और कुछ पूछना है तो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ मैं कि ऑलरेडी अब 3 यूनिवर्सिटी का अब तक फॉर्म जो मेरे जहाँ तक मुझे नॉलेज में है अभी तक मैंने 3 यूनिवर्सिटी का फॉर्म मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया है, लाइक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अब ये जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो ये 3 यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ चुका है, तो फॉर्म भरिए, और बाकी जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा वो आपको इस चैनल के थ्रू अपडेट मिलती रहेगी। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेलाइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे बैक टू बैक जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।